प्रधानमंत्री के उड़े देश का आम नागरिक का सपना हुआ साकार। केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री ने कहा, हवाई सेवाएं हुई सस्ती। प्रदेश में आज 1 लाख से अधिक युवाओं ने दी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। प्रदेश भर में बनाए गए थे 299 परीक्षा केंद्र। नई दिल्ली में भाजपा के नए हाईटेक पार्टी मुख्यालय का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। और कोरिया में तेंदुए की खाल की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 2 खाल बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विमानन और उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि आज देश में प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप आम नागरिकों का हवाई सफर करने का सपना सच हो रहा है। अब हवाई सेवाओं का किराया ऑटो रिक्शा के किराए के बराबर हो गया है। आज रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक का नारा दिया है। एयरपोर्ट्स बनाने लग जाएं जिसमें कि वी डोंट हैव टू प्ले कैच अप। अभी तक क्या हुआ है कि हम लोग ग्रोथ जो हो रही है, डिमांड जो हो रही है, वी आर ऑलवेज प्लेइंग कैच अप टू द डिमांड। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे चाइना ने किया था या अमेरिका ने किया था, कि डिमांड से पहले हम कैपेसिटी ले आएंगे जिसमें बड़े जल्दी और बड़े आराम से हम लोग वहां ग्रोथ हम लोग ला सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर हम लोग पूरे देश का अगर हम लोग देखें कि क्या इस आज के समय परिस्थितियां हैं, क्या तस्वीर है, तो वह यही है कि हम लोग इस गति से 15-20% ग्रोथ लेकर हम लोग चल रहे हैं और हम लोग पूरा कैपेसिटी इसके लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन प्राइस पर किलोमीटर पर अगर हम देखें, कॉस्ट पर किलोमीटर पर देखें, तो एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एयरलाइंस प्लेन्स एविएशन आर वेरी वेरी कॉस्टली। और इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज के समय जिन उनका नारा जो बहुत चला है, बिल्कुल सही नारा है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे बैठ। इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास संभावना और दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, उसमें दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया कि हम कैसे दीनदयाल जी के सपने को पूरा करने के लिए कदम बे कदम आगे बढ़ रहे हैं और देश के विकसित राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान बने, इसके लिए मुख्यमंत्री के नाते मेरा प्रयास। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर और राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा भी मौजूद थे। प्रदेश में आज हुई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 1 लाख से अधिक युवाओं ने अपना भाग्य आजमाया। इसके लिए 16 जिलों में 299 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सबसे अधिक 80 केंद्र बिलासपुर में और सबसे कम केवल 2 केंद्र दंतेवाड़ा में बनाए गए थे। इस परीक्षा में सबसे अधिक करीब 28,000 परीक्षार्थी बिलासपुर में शामिल हुए। राजधानी रायपुर में पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 65 केंद्र बनाए गए थे, जहां 27,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस परीक्षा के माध्यम से 2,500 से अधिक युवाओं को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में ली गई। पहली पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में एप्टीट्यूड के प्रश्न पत्र हुए। पीएससी ने पहली बार एप्टीट्यूड के प्रश्न पत्रों को क्वालिफाइंग किया है। इसमें केवल उत्तीर्ण होने की जरूरत होगी, इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला प्रशासन की देखरेख में उड़न दस्ते गठित किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली स्थित नए कार्यालय में आज से कामकाज शुरू हो गया है। ये बहुमंजिला कार्यालय अत्याधुनिक हाईटेक सुविधा से लैस है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित इस नए कार्यालय का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसंघ और बीजेपी के नेता आजादी के बाद सभी प्रमुख जन आंदोलनों में सबसे आगे रहे। हमारी पार्टी राष्ट्रभक्ति के लिए प्रतिबद्ध है। आजादी के बाद इस देश में जितने भी राष्ट्रीय हित के आंदोलन हुए, राष्ट्रीय राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवादिता इन सभी तराजू से तुले हुए जितने आंदोलन हुए, आजादी के बाद के वो सारे आंदोलनों का नेतृत्व जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस बात का हम लोगों को गर्व है। और इसलिए हमारी पार्टी एक प्रकार के राष्ट्रभक्ति के रंग से रंगी हुई, राष्ट्रहित के लिए मरने मिटने वाली, जूझने वाली, त्याग तपस्या की पराकाष्ठा करने वाली ये हमारी एक पार्टी की रचना हुई। नई तकनीक से सुसज्जित ये कार्यालय 8000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। कई वर्षों तक अशोक रोड स्थित कार्यालय भाजपा का मुख्य कार्यालय रहा है, जिस वजह से तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं की यादें इस कार्यालय से जुड़ी हुई हैं। देशभर में पार्टी के बढ़ते विस्तार की वजह से नई तकनीकों से सुसज्जित नए कार्यालय की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसे देखते हुए ही ये नया कार्यालय बनाया गया है। भाजपा का ये नया कार्यालय सभी प्रदेश कार्यालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा होगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान धर्मापुर और बागतराई के ग्रामीणों को लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने धर्मापुर गांव पहुंचकर 22 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं बागतराई गांव में उन्होंने 48 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड और सामुदायिक भवन की सौगात दी। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार को किसान हितैषी सरकार बताते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। सरकार जितना कर रही है, आज तक छत्तीसगढ़ में किसी सरकार ने चिंता नहीं की, चाहे सूखा राहत हो, चाहे बीमा हो, चाहे बोनस की राशि हो, चाहे धान खरीदी की व्यवस्था हो, सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। जहाँ तक विषय किसानों के लिए, सबसे ज्यादा संवेदनशील सरकार है और हम उनके लिए बेहतर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांव के प्रबुद्धजनों का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया, साथ ही शत प्रतिशत विद्युत कनेक्शन के लिए गांव के सरपंच को भी सम्मानित किया। सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में आज माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया और फायरिंग भी की। माओवादी सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को बंधक बनाना चाह रहे थे, लेकिन एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग की। इस दौरान ठेकेदार के मुंशी और एक अन्य व्यक्ति की मौत होने और दो जवानों के घायल होने की खबर है। गौरतलब है कि भेज्जी से चिंतागुफा के बीच सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। कोरिया जिले में क्राइम स्क्वाड टीम ने तेंदुए की खाल की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से तेंदुए की दो खाल बरामद की गई है। क्राइम स्क्वाड टीम को सूचना मिली थी कि सोनहत थाना क्षेत्र के सलगवां गांव में अवैध रूप से तेंदुए की खाल रखी गई है और आरोपी इसे बेचने की फिराक में है। इसके बाद टीम ने गांव में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से बरामद तेंदुए की खाल की कीमत करीब 5 लाख रूपये आंकी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल ने बताया कि जिले में काफी दिनों से अवैध खाल बेचने की सूचना मिल रही थी। इस आधार पर क्राइम स्क्वाड ने खरीदार बनकर तेंदुए की खाल जब्त की। गिरफ्तार आरोपी से खाल तस्करी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक गीतों के सामाजिक संदर्भ को लेकर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। दो दिवसीय इस संगोष्ठी में प्रदेश के जाने माने साहित्यकारों और कलाकारों ने अपने विचार रखे। संस्कृति और पुरातत्व विभाग तथा दूध मोंगरा छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में लोक कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। दूध मोंगरा छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक समिति के संयोजक बीआर साहू ने बताया कि संगोष्ठी के माध्यम से जनजातीय लोकगीतों के अंतर्भाव, सामाजिक पक्ष को जानने और समझने का प्रयास किया गया। कि हम गीत जो सुख और दुख की अनुभूति के रूप में गाते हैं, वो केवल गायन तक सीमित नहीं है,
इसका बड़ा परिप्रेक्ष्य है और इस बड़े परिप्रेक्ष्य को जानकर हम गाएंगे तो वास्तव में इन गीतों को बेहतर ढंग समझ पाएंगे और हम अपनी संस्कृति का एक अच्छा संवर्धन कर पाएंगे। राज्य स्तरीय इस संगोष्ठी के समापन कार्यक्रम में आज छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष डॉ. विनय पाठक, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती और बख्शी सृजन पीठ के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ी है। राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग आज विदेशी माल की जगह स्वदेशी माल की खरीदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे मेक इन इंडिया अभियान की ये बड़ी कामयाबी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव और अंचल की अपनी विशिष्टता होती है, इस देशी विशिष्टता को उभार कर सामने लाना ही स्वदेशी अभियान का मूल मंत्र है। राजनांदगांव में चल रहे स्वदेशी मेले में हर रोज छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति पर आधारित अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये मेला 22 फरवरी तक चलेगा। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में अब किसान जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक से फसल उत्पादन करने पर जोर दे रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं दुर्ग जिले के अचानकपुर गांव, जहां के युवा किसान रोहित कुमार साहू न केवल जैविक खेती कर रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब खेती किसानी में उन्नत तकनीक का उपयोग करने के साथ ही जैविक खेती में रुचि ले रहे हैं, इससे उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है। ऐसे ही युवा किसान हैं दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के अचानकपुर गांव के रोहित कुमार साहू। श्री साहू ने खेती के उन्नत तरीकों का उपयोग किया और कतार रोपा तथा श्री पद्धति से धान उत्पादन शुरू किया। वे अब मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने के अलावा जैविक खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई है बल्कि लागत में भी कमी आई है। किसान रोहित साहू ने खेतिहर मजदूरों की कमी को देखते हुए कृषि यंत्रों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कृषि विभाग की कल्याणकारी कृषि यंत्र तकनीकीकरण योजनाओं के तहत सरकारी अनुदान पर कृषि यंत्र हासिल किए। इस तरह कृषि यंत्रीकरण से खेती का काम कम समय में होने लगा है। वे कीट नियंत्रण के लिए गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक तैयार कर खेतों में इस्तेमाल करते हैं। इससे न केवल उन्हें फायदा हुआ बल्कि अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा मिल रही है। अब उन्होंने जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करने के साथ साथ मशरूम उत्पादन शुरू किया, इससे उन्हें अतिरिक्त आय भी हो रही है। श्री साहू ने बताया कि नई तकनीक के इस्तेमाल से कृषि रसायन के उपयोग में 40% की कमी आई है, साथ ही उत्पादन लागत में 18% की कमी हुई है, लेकिन उत्पादकता में 40% का इजाफा हुआ है। इस तरह के प्रयोग से मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है। अब वे दूसरे किसानों को भी जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये है कि अभी दिनों दिन खाद के रेट बढ़ते चले जाते, सरकार ला भी सब्सिडियों में देना पड़ते, तो सरकार ला भी बोझ है, हम किसान ला भी जहर होते वो ठीक नहीं रिसे, तो ये मानव समाज में जो प्रदूषण होते सभी प्रकार के, जो अनाज भी जहरीला होत रिसे, जमीन खराब होत रिसे, तो ओकर तहत में हाँ जैविक खेती गौ आधारित पकड़े हाँ, ये मैं मतलब बहुत संतुष्ट हूँ अपन जीवन से। वो है 10 लीटर गौमूत्र में 10 किलो वनस्पति पाना पतेल डालना रहते और 21 दिन तक सड़ाना रहते, और ये ओकर लेफनेट है, वो सब लब में मतलब जो कृषि मेला होते वहाँ सब बांटता मेला, और घर में आते बहुल बताता हूँ, घर में जाके पढ़ के भी अपन कर सकता हूँ, और जिला अभ्यास करना है तो मोर पास स्वयं बना के अभ्यास कर लो, इस प्रकार के मैंने मोर सहयोग करता हूँ। मतलब जैविक खेती को बढ़ावा देने के रोहित कुमार साहू के प्रयासों की सराहना हो रही है। पिछले साल राज्य सरकार की ओर से उन्हें डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान से भी नवाजा गया है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के उड़े देश का आम नागरिक का सपना हुआ साकार, केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री ने कहा हवाई सेवाएं हुई सस्ती। प्रदेश में आज 1 लाख से अधिक युवाओं ने दी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, प्रदेश भर में बनाए गए थे 299 परीक्षा केंद्र।
नई दिल्ली में भाजपा के नए हाईटेक पार्टी मुख्यालय का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। और कोरिया में तेंदुए की खाल की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, दो खाल बरामद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।